भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.8 अरब डॉलर चढ़कर 541.43 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह के दौरान 3.883 अरब डॉलर चढ़कर 541.431 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 21 अगस्त को खत्म सप्ताह के दौरान ये 2.296 अरब डॉलर चढ़कर 537.538 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा था। विदेशी मुद्रा भंडार ने इस वर्ष 5 जून को खत्म सप्ताह के दौरान पहली बार 500 अरब डॉलर पार करने का रिकॉर्ड बनाया था। यहां बता दें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सारे देशों में सबसे बेहतर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बीते 6 दशकों में भारत के रिजर्व भंडार में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत का 1960 में कुल रिजर्व भंडार 67 करोड़ डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 541.431 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। पेट्रोकेमिकल और तेल उद्योग में निवेश पर दोहरा खतरा, प्लास्टिक उद्योग में गिरावट से तेल की मांग घटेगी। अगले 10 सालों में प्लास्टिक की मांग में भारी गिरावट आने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे पेट्रोकेमिकल एवं तेल उद्योग में निवेश किए गए 400 अरब डॉलर की राशि भी खतरे में है। सिस्टम क्यू और कार्बन ट्रैकर द्वारा शनिवार को जारी रिपोर्ट द फ्यूचर इज नॉट इन प्लास्टिक में कहा गया है कि एक तरफ दुनिया में प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के प्रयास चल रहे हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए घातक है, जबकि दूसरी तरफ तेल उद्योग अभी भी इसी पर दांव लगा रहा है, लेकिन भविष्य में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल प्लास्टिक उद्योग में तेल की बड़ी खपत होती है। रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक के उपयोग को घटाने के वैश्विक प्रयासों के चलते 2027 तक प्लास्टिक की वार्षिक वृद्धि दर 4% से घटकर 1% रह जाएगी। इससे तेल की मांग में भारी गिरावट आएगी, तब नवीन ऊर्जा अपेक्षाकृत सस्ती होने की वजह से भी तेल की मांग कम होने लगेगी। डॉलर के मुकाबले इस हफ्ते मजबूती से डटा रहा रुपया। इस हफ्ते डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूती से डटा रहा। आज कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन रुपया 33 पैसे मजबूत होकर 73.14 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को ये 21 पैसे टूटकर 73.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। 5 कारोबारी दिनों में 3 दिन बाजी डॉलर के हाथ रही और 2 दिन रुपया मजबूत रहा। 3 दिन सोमवार, बुधवार और गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया कुल 81 पैसे कमजोर रहा। वहीं मंगलवार की बड़ी तेजी और शुक्रवार को हुई जोरदार वापसी से रुपया डॉलर पर 106 पैसे मजबूत हुआ। अगर नेट मजबूती देखें तो इस हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत हुआ है। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।